चलिए, तो आप लोग लिंक शेयर कर दीजिएगा। अब हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा बैंड डायग्राम। ठीक है, ऊर्जा वेन डायग्राम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता से हम चालक कुचालक को तो अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह बात भी समझ में आती है कि आखिर अर्धचालक जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किस तरह ये चालक से और कुचालक से अलग है। ठीक है, तो यह बात अगर आपको अच्छी तरह से समझनी है तो उसके लिए ऊर्जा वेन डायग्राम को समझना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए आप फोकस रहें, और यदि आपको कुछ ना समझ में आए तभी आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछ लें। लेकिन इसके अलावा आप आपस में बात करने के लिए कमेंट ना करें, पूरा फोकस होकर के वीडियो पर ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको ऊर्जा डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि परमाणु संरचना किस तरह की होती है ना। हम परमाणु संरचना से ही स्टार्ट करते हैं और परमाणु संरचना से ही हम ऊर्जा वेन डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक सिंगल परमाणु की बात करूंगा। पहले एक सिंगल परमाणु के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पहले जो सिंगल परमाणु होता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, उसी से निकाल करके हम लोग ऊर्जा वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम एक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सबसे पहले यहाँ पर एक नाभिक बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक जो केंद्रीय ठोस भाग होता है परमाणु संरचना में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विभिन्न कुछ कक्षाएं बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को तो देखिए, पहली जो कक्षा थी, पहली कक्षा में 2n स्क्वायर नियम के हिसाब से आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2n स्क्वायर नियम के हिसाब से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, पहली कक्षा के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहली कक्षा में फिल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इसी तरह से 1 अन्य इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम जो है अच्छे से बनाएंगे तो आपको क्या है समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें डायग्राम बनाने पे क्लियरली ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग मूव कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये 2n स्क्वायर नियम से हमें पता है। अब इसके बाद एक कक्षा और बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक अन्य कक्षा हो गई। ठीक है, इसके बाद एक तीसरी कक्षा हम लोग लेंगे, और तीसरी कक्षा के, तीसरी कक्षा को यहाँ पर एक और कक्षा को ये बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक
एक अन्य कक्षा ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तीन कक्षा वाला, ये एक तीन कक्षा वाला परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं समझाने के लिए। चलिए अभी डायग्राम को क्लियर रखने के लिए अभी केवल इसमें मैं दो ही इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, बाकी की दो कक्षाएं जो है वह अपूर्ण रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना में आपने देखा कि सेंट्रल भाग जो होता है, केंद्रीय ठोस भाग, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, यह क्या कहलाता है, यह नाभिक है। इसके चारों तरफ दो इलेक्ट्रॉन आपको एक कक्षा में परिक्रमा करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु गतिमान होती, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो गतिमान वस्तुओं में क्या होता है, ऊर्जा होती है ना, गतिमान वस्तुओं में ऊर्जा होती है। इसी तरह से यदि कोई वस्तु परिक्रमण या चक्रण गति कर रही है या उस पर कोई आकर्षण लग रहा, बल लग रहा है, तब भी उसमें गति, उसमें ऊर्जा होगी, है ना, ये बात आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, सबसे फर्स्ट तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये आपको नजर आ रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर दो प्रकार की गतियां होंगी, है ना, ये हम सभी को पता है। यहाँ पे दो प्रकार की गतियां होती है इस इलेक्ट्रॉन में, कौन कौन सी होती है, एक तो यह परिक्रमण गति कर रहा है यानी कि ये नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है ना, नाभिक के चारों ओर ये ऐसे वृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है। दूसरा ये अपनी एक्सिस पर भी गति कर रहा है, तो इस एक्सिस पे जो गति कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह से जो एक्सिस पे गति करता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रण गति, है ना। तो इसमें कितने प्रकार की गतियां हो रही हैं, दो प्रकार की गति है, परिक्रमण गति और चक्रण गति, या जो स्पिन करता है वो स्पिन के कारण इसमें मतलब ऊर्जा है दो प्रकार की, एक परिक्रमण ऊर्जा परिक्रमण के कारण और दूसरी होती है चक्रण के कारण, ठीक है। तो इसमें गतिशील अवस्था के कारण ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो नाभिक है जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये नाभिक भी इसमें कुछ आकर्षण बल लगा रहा है, तो इस आकर्षण बल के कारण भी इसमें ऊर्जा होगी, है ना। तो इसमें कुल मिलाकर के यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कक्षा में हो, इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनकी ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि आखिर इनकी ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये निम्नतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमें पता चला कि इसकी जो ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा होती है, इसमें ऊर्जा होती है -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी इसकी ऊर्जा होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम जो ऊर्जा है, ऊर्जा को साधारणतः हम लोग जूल में मापते हैं, ऊर्जा की इकाई जो होती है साधारणतः जूल होती है, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये होती है। तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर। लेकिन देखिए मैं समझाने के लिए आपको जो है वास्तविक डाटा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप ये मान करके चलें कि जो भी मैं डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे यहाँ 1.6 लिखा है ना, तो आप लोग जो है हो सकता है ये थोड़ा चेंज हो, है ना। अभी मैं इसे जो है बिल्कुल ही इस तरह का डाटा इस्तेमाल करूंगा, हाइपोथेटिकल वैल्यूज लूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से जो थ्योरी है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो डाटा जो है आप इसको डाटा को याद रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पूरा जो है हाइपोथेटिकल रहेगा, पूरा काल्पनिक रहेगा, एक्चुअल वैल्यूज आपको जो है वो बुक से इसकी देखना पड़ेगी। यहाँ पर केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जो अवधारणा है कि ऊर्जा बीड़ आखिर होता क्या है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है या न्यूनतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम के कक्षा कह सकते हैं, यहाँ पर जो के कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा कितनी मिली हमें, -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि चलिए थोड़ा सा इसको अभी और समझाता हूँ, उसके बाद इसको मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए एक जो अब जो अगली कक्षा है ना, अगली कक्षा में भी हम लोग जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, ताकि अब आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे, अब हमें अन्य इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने बनाया, इसे जो है हम अगली कक्षा में फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो तो सेकंड कक्षा है, इस सेकंड कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वह हमने विद्यमान कर दिया। देखिए एक्चुअल परमाणु संरचना में आपको पता है कि जो दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद ही अन्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। लेकिन मैं केवल आपको अभी परमाणु संरचना नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको यहाँ पर ऊर्जा पिंड डायग्राम बता रहा हूँ, इसलिए मैं 8 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करूंगा, मैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को चित्र में दर्शाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इसमें, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड ऊर्जा स्तर है यानी कि सेकंड कक्षा जो है, अब हम इसमें कितनी एनर्जी है इसका मान कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इस सेकंड इलेक्ट्रॉन में, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है वह हमें कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें लगभग 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि देखिए यहाँ पर ये कौन सी कक्षा थी, पहले वाला जो ब्राउन कलर में है ये के कक्षा थी, इससे ऊपर कौन सी कक्षा होती है, एल कक्षा होती है, के एल से दर्शाते हैं ना हम, के अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम जैसे जैसे ऊर्जा स्तरों में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, जैसे जैसे हम लोग हायर कक्षा में जा रहे हैं, या यहाँ पर डायग्राम में देखें आप लोग इस नीचे की कक्षा से जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षा की ओर जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एनर्जी का मान बढ़ रहा है। पहले कितना था, 1.6 था, फिर कितना हो गया, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा जो है बढ़ रही है। देखिए आपको यहाँ जो 1.6 है ये लग रहा होगा कि 0.8 से ये आखिर बड़ा कैसे हो गया, तो देखिए ये नेगेटिव मान है। यहाँ पर मैं आपको स्केल बता करके और क्लियर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 1 है, फिर इसके बाद यहाँ 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे +3, तो इस तरह की जो प्लस वाली वैल्यूज होती हैं उसमें 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, ये प्लस वैल्यूज में। लेकिन यदि हम नेगेटिव में जाएं तो ये -1 जो है वो ये 0 से छोटा है, इसी तरह से -2 जो है वो -1 से छोटा है। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव में ज्यादा मान की ओर बढ़ेंगे, अगर -3 हो जाएगा तो ये और ज्यादा ज्यादा छोटा है, -3 जो है वो -2 से भी छोटा है ना, और -1 से तो छोटा है ही, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे कम नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हम कहेंगे कि ये बढ़ रही है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन है इसमें अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है, इनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, और आकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग नेगेटिव में दिखाते हैं। यही कारण है कि हम ये मान रहे हैं कि अंदर वाला जो है इलेक्ट्रॉन उसमें एनर्जी कम है, जबकि वास्तव में क्या है उसमें नेगेटिव एनर्जी का मान जो है वह कितना है, 1.6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप लोग इतना सब कुछ अभी फिलहाल के लिए जो है अभी दिमाग से निकाल सकते हैं। अभी केवल आप लोग यह ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर वाली कक्षा से जैसे जैसे बाहर वाली कक्षा की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वह क्या होगी, इंक्रीज होगी, वह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जिससे आपको अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बातें कही हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह हमने स्पेस क्लियर कर लिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डाटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी को हम लोग मान लेते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। समझाने के लिए देखिए ताकि डायग्राम में अच्छे से समझा सकूं, इसीलिए मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ। एक्चुअल वैल्यू आपको पता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, माइनस में, यहाँ मैं माइनस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल बढ़ता हुआ
आपको वैल्यू दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ अच्छे से सकें। तो देखिए यहाँ इसके बाद क्या होता है, जो दूसरी इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी हम लोग मान के चल रहे हैं ये होती है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन स्थित है और इसकी एनर्जी कितनी होती है, इसकी एनर्जी मान लीजिए होती है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू साइंटिफिक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की, और ये पाया है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपरी ऊर्जा स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का मान जो है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्यों ना एक ग्राफ खींचें, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये हमारी होगी एक एक्स, है ना, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, है ना, ये हो जाएगी वाई, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। इसी तरह से एक और अन्य एक्सिस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, ये एक अन्य एक्सिस बनाई, इसे कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कहलाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे अलग अलग यहाँ पर वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ये स्केल बनी हुई है इस पे, है ना। तो यहाँ पर आसपास कहीं इसकी वैल्यू आएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, फिर उसके बाद यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके ये एनर्जी को हम लोग जो है, कि स्केल जो है हमने ले ली है ना, ये स्केल हमने बना ली। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अलग अलग कक्षा है, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा थी, तो पहली कक्षा की एनर्जी कितनी है, यहाँ पर पहली कक्षा की एनर्जी है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि पहला जो परमाणु है पहली कक्षा में, जो दोनों परमाणु है, सॉरी, पहली कक्षा में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, दोनों की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी। फिर अगली बार हम क्या करते हैं कि अब इससे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा दूसरी कक्षा का, इसमें हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखी, कि उनमें कितनी एनर्जी, उसका एनर्जी का मान क्या है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मान आपको जो है एनर्जी का वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं कहाँ है स्केल पर, ये है, और इसमें जो है एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि सारे परमाणु जो हैं, सभी सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन आई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में एक अन्य इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है इसकी एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम लोग जो ये स्केल थी हमारी वाई एक्सिस, जिसपे हमने एनर्जी को माप बनाया हुआ है, तो इस पे हम लोग लाइन खींचेंगे, देखेंगे पहले कि ये कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस अंतिम कक्षा में, यानी कि तीसरी कक्षा में थे, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो, उनके वैल्यू कितनी थी, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम जो है तो एनर्जी बेंड डायग्राम ही, ये एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये केवल एक सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग जो है कितनी एनर्जी है, अलग अलग कक्षाओं में इसको दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन कक्षा की बात करी और तीनों कक्षाओं में ये एनर्जी को दर्शा रहा है। लेकिन देखिए वास्तविकता में, आपने देखा होगा वास्तविकता में क्या होता है, कि वास्तविकता में तो कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से, सिंगल परमाणु तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को मैं स्पष्ट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्पेस क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो ये वाला स्पेस जो है मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। इतना पॉइंट जो अभी तक मैंने समझ में समझाया है यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो डायग्राम है ऊर्जा डायग्राम हमने कैसे बनाया है ये अभी तक आपको पता चल गया होगा कि, लेकिन ये जो है हमारा ये अभी तक ऊर्जा वेन डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि ये केवल सिंगल परमाणु को दर्शा रहा है जबकि सिंगल परमाणु जो है वह प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वह किसी ना किसी अन्य परमाणु से क्रिया करेगा और वह अणु बनाएगा, है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि कोई क्रिस्टल लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कार्बन की बात करें यदि हम लोग, है ना, तो कार्बन परमाणु क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन के परमाणु है तो वो क्या करेंगे कि सिंगल कार्बन, तो जैसे कार्बन है तो ये क्या करेगा बगल वाले कार्बन से क्रिया करेगा, है ना। तो इस तरह ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, है ना, आपस में ये लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे जितने भी इनका जो भी बॉन्ड वगैरह बनाना है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड या अलग अलग बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बना करके ये लोग क्या करते हैं आपस में, ये कार्बन परमाणु जो है ये क्या करते हैं आपस में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इनमें शेयरिंग होती है आपस में, है ना, तभी तो कोई पदार्थ बनता है। जैसे मेथेन हो, इथेन हो, जो भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ कब बनते हैं, जब ये आपस में ये लोग क्या करते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मैंने जो डॉट में दिखाए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे तभी तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तभी कोई अणु बनेगा, है ना। वो जब भी अणु बनते हैं अणु से ही परमाणु, अणु से ही मटेरियल बनता है ना, कोई पदार्थ बनता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे इस कार्बन परमाणु के चारों तरफ जो है ये इसमें विभिन्न कक्षाएं हैं, कक्षाओं में गति भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पर केवल सिंबल बता दिया है क्योंकि हम यहाँ पर पूरे परमाणु का डायग्राम नहीं बना सकते। तो ये हमने क्या किया है बड़े लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग पदार्थ को देख रहे हैं, पहले हमने एटम को देखा, है ना। अब देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारी, जैसे मान लीजिए यहाँ नाभिक भी होगा और नाभिक के बाद इसमें बहुत सारी कक्षाएं भी होंगी इन सभी एटम में, थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ मैं, तो इन सभी एटम में क्या होगा यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखिए कितने तरीके, कितने नाभिक के चारों से घिरा हुआ है ये पहला वाला ए ना जो है, ए एटम भी इसको, इसने भी घेर के रखा हुआ है, यहाँ से भी इसमें आकर्षण बल लग रहा है और यहाँ से भी इसमें आकर्षण बल लग रहा है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसमें जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, अब अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सेम एनर्जी नहीं होगी, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो मेरा कहने का मतलब क्या है, फिर से यहाँ पर एक मैं एक नाभिक सॉरी परमाणु बनाता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये एक परमाणु हो गया, अब देखिए ये परमाणु मान लीजिए इसके बगल में कोई और परमाणु एक और है, एक परमाणु अन्य जो है हम वो भी बना लेते हैं यहाँ पर, एक अन्य परमाणु हमने बनाया छोटा सा बनाएंगे, ठीक है, ये परमाणु है ना। तो ये दो परमाणु जो है ये कार्बन के परमाणु पास पास में स्थित हैं, ठीक है, ये दोनों परमाणु जो है पास पास में स्थित हैं, इन परमाणुओं में क्या होगा अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब ये क्या है, जो परमाणु है ये आपस में बॉन्ड से बंधे हुए हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना, पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ केवल उदाहरण के लिए, ठीक है, तो आप लोग इसे समझते जाइए। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपस में इनमें बॉन्ड बना हुआ है ना, इसी तरह से पूरा एक क्रिस्टल बना हुआ है, यहाँ अन्य यहाँ पे भी कोई अन्य परमाणु होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये देखिए जो एटम है अलग अलग एटम, जैसे ये वाला एटम, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें तीन तरफ से ये नाभिकों से घिरा हुआ है, तो यहाँ इसकी एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आया,
मान लो ये एनर्जी आई आपकी, ये एनर्जी आई है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि ये इसी तरह से अलग अलग एनर्जी आती है। अब आपको एक जैसी एनर्जी नहीं मिलने वाली, क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के नाभिक जो है इन पर आकर्षण बल लगा रहे हैं, है ना। इसी तरह से हमने क्या किया, इस परमाणु में एक अन्य इलेक्ट्रॉन था, इसकी एनर्जी भी हमने कैलकुलेट करी, तो यहाँ पे आपको एनर्जी कितनी मिली, ये एनर्जी आपको मिली मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जिसे ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, है ना। तो होगा क्या कि इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप अन्य कक्षाओं में भी जब बनाएंगे तो क्या होगा कि उनकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, पहले जब हमने एक सिंगल परमाणु का बनाया था तो सब में जो एनर्जी है वो सेम मिल रही थी। जैसे यहाँ पर यदि पहली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, लेकिन अब जब ये इनको विभिन्न परमाणुओं ने घेरा हुआ है, जब इन्होंने अणु बना लिया है, तब क्या हो रहा है हमें, तब जो है सेम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक जैसी एनर्जी नहीं मिल रही, बल्कि हमें क्या हो रहा है, एनर्जी की एक रेंज मिल रही है। जैसे हमने देखा कि पहला जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लीजिए हमने इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और इसका एनर्जी वेन डायग्राम चलिए बनाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन था ए, इसकी एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अब हम लोग इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यहाँ पे लाइन खींचते हैं, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हमने, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो अन्य एटम है ये ऊपर वाला, इसकी एनर्जी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एनर्जी वेन डायग्राम है इसमें देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम इसमें जो है यहाँ पर भी लाइन खींच देंगे, है ना, ये हमने लाइन खींच दी। तो ये क्या हो गया, ये पहली कक्षा के लिए हमने जो इसमें इलेक्ट्रॉन थे पहली कक्षा में किसी अणु में या किसी क्रिस्टल में, किसी पदार्थ का जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसका हमने एनर्जी बैंड बनाया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो तो सेकंड कक्षा है किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए जो सेकंड कक्षा है, ये सेकंड कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है अभी हम इनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी आई आपको यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, चलिए थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं क्योंकि पास पास हो जाएगा, यहाँ पर जो हमें एनर्जी मिलती है लगभग वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसी कक्षा में कोई अन्य इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए ये, अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर भी क्या होगा, चारों तरफ से अलग अलग जो है नाभिक जो है इस पे बल लगा रहे हैं, किसी पे कम किसी पे ज्यादा बल लगता है, क्योंकि उनकी अलग अलग तरह से वो घिरे होते हैं पर नाभिकों से, तो उन पर जो थोड़ी सी एनर्जी का मान है वो कम ज्यादा होता है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। तो इसीलिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस दूसरे इलेक्ट्रॉन पर हमें एनर्जी का मान मिला, यहाँ पर एनर्जी का मान था 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एक और एटम है, एक और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस पर एनर्जी का मान मिला आपको यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो परमाणु में तीसरी कक्षा में भी एक ही कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी अलग अलग है ना, किसी में कम किसी में एनर्जी ज्यादा है। तो इनके सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, फिर से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं अभी यहाँ पर। तो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको कितनी मिली थी, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप यहाँ पे 12 के यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे हम ये 12 जो है इस 12 पे हमने लाइन खींच ली। फिर जो दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी मिली थी आपको, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप जो है इसमें लाइन खींच लीजिए, है ना, 14 के लिए हम लोग लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, चलिए ये वाली जो है हम मान लेते हैं, ये जो है नीचे वाली जो है 14 है, 15 के लिए ऊपर लाइन शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि लाइन खींचने में डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हमारी हो गई
तीन एनर्जी जो है अभी तक हम बना चुके हैं तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, मतलब 14, 12 और 16, ये तीन अलग अलग जो है इनके लिए हमने एनर्जी बना ली है ना, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से अगर कैलकुलेट करते जाएं तो आप जब ऊपर के जितने भी आप जाओगे तो आप क्या होगा, यहाँ पर एक रेंज मिलेगी। यहाँ पर कभी किसी भी कक्षा के लिए आपको केवल, जैसे मान लीजिए ऊपर की कक्षा भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, यहाँ पर भी हमको जो एनर्जीज होती है इस प्रकार से अलग अलग इलेक्ट्रॉन की आप खींचते जाइए अलग अलग, तो आपको अलग अलग रेंज मिलेगी। फिर जब देखिए हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम भी हो, है ना, एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो तो क्या होता है, कुल मिलाकर के आपको एक रेंज मिलती है इस तरह से। तो हम इनको क्या कहते हैं, जो एक रेंज होती है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कक्षा है, यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो है इसका कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कलर में प्रॉब्लम हो रहा था, इसको तो चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए, जैसे ये फर्स्ट कक्षा थी हमारी, के कक्षा के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी हमने कैलकुलेट करी। यहाँ पर एल ऊर्जा स्तर जो था या एल कक्षा जो थी उसके अलग अलग तीन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी हमने कैलकुलेट करी और ग्राफ बनाया। और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर जो एम कक्षा थी उसके अलग अलग तीन इलेक्ट्रॉनों की हमने एनर्जी को का ग्राफ बनाया। तो आपको यहाँ पे एक बेंड नजर आ रहा है ना, एक ऊर्जा स्तर नजर आ रहा होगा, पूरा एक बेंड है। तो इसे हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी यहाँ पर इसे पूरा बेंड बना देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी, अब एक पर्टिकुलर एनर्जी निश्चित नहीं थी, जबकि क्या था, एक बेंड था एनर्जी का, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग कक्षाओं के लिए जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी का यदि आरेख बनाते हैं तो हमें क्या होता है कि सब इलेक्ट्रॉन की एक ही एनर्जी प्राप्त ना हो करके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की एक रेंज प्राप्त होती है ना। जैसे जो फर्स्ट कक्षा में आपको रेंज कितनी प्राप्त हुई थी, यहाँ पर जो फर्स्ट कक्षा है इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी, है ना। ये वाली रेंज जो थी ये कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से दूसरी जो ऊर्जा स्तर है एल वाला, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, है ना। तो इसी तरह से ये आपको अलग अलग एनर्जी स्तर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बेंड डायग्राम, है ना। तो ये ऊर्जा बेंड डायग्राम जो किस तरह से बनाया जाता है ये अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो अब आप आगे चालक, कुचालक और अर्धचालक में अच्छी तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो चालक, कुचालक और अर्धचालक होते हैं, है ना, इनका एनर्जी बेंड डायग्राम देखेंगे कि जो एनर्जी बेंड डायग्राम इनका बनाया गया है विभिन्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो उसमें जो उनके डायग्राम होते हैं वो किस तरह से होते हैं, है ना। उनमें जो ये अलग अलग एनर्जी लेवल हैं इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉनों में कितनी दूरी होती है, ये जो बेंड्स हैं इनमें कितनी दूरी होती है, ये कितने ये दूसरे के पास स्थित होते हैं, उसके आधार पर जो है हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इन एनर्जी बेंड के बीच की दूरी के आधार पर ये जो अलग अलग आपको दूरियां नजर आ रही होगी यहाँ पर, ये एनर्जी बेंड डायग्राम में जितनी दूरी पर ये स्थित होते हैं उसके आधार पर ही किसी पदार्थ को हम चालक को कुचालक या अर्धचालक में विभाजित करते हैं। तो चलिए इसको ग्राफों में क्लियर करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कुचालक होता है, कुचालक का एनर्जी बेंड डायग्राम किस तरह का होता है, है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हमें अंदर की जो कक्षाएं मान लीजिए किसी परमाणु में अलग अलग बहुत सारी कक्षाएं खुल रही हैं, तो हमारे लिए ये पहली कक्षा कोई काम की नहीं है,
ये दूसरी कक्षा भी कोई नाम की नहीं है, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट की कक्षा होती है, क्योंकि हम जानते हैं इसी के जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल जो बाहर की कक्षाएं हैं, केवल बाहर की जो कक्षाएं हैं उसी को हम लोग यहाँ पर डायग्राम में शामिल करते हैं। बाहर की जो एक दो कक्षाएं हैं केवल उन्हीं को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में शामिल करते हैं, बाकी अंदर कितनी भी कक्षाएं हों अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जो है वो सुफिशियंट नहीं होती कि उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बना सकें, इसीलिए हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में उनको नहीं बनाते। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अब थोड़ा इस डायग्राम को क्लियर कर लेता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि आखिर कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब बात करते हैं कुचालक की, कि आखिर कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, है ना। कुचालक कुचालक क्या होते हैं, है ना। तो देखिए कुचालक की जो साधारण परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सबसे साधारण परिभाषा क्या होती है, कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। दूसरा, जिसकी जो चालकता है, जिसमें चालकता जो है वह चालकता बिल्कुल कम होती है, इसकी ये चालकता होती ही नहीं है इसमें, है ना। ये विद्युत का इसमें प्रवाह नहीं हो सकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से भी हम लोग कुचालक को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कुचालक क्या होता है, कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें मान लीजिए जो बैलेंस बॉन्ड, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए नाभिक और ये उसके चारों ओर कक्षाएं, तो ये जो बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि ये जो इतनी एनर्जी प्राप्त कर सकें कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एनर्जी हासिल कर सकें। ये वाला जो बैंड है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बराबर एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं, ये इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो वह नाभिक से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है जनरली कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें ये ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल खाली होता है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम में आपको बना करके बताता हूँ, ये वाला भी मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि दूसरा डायग्राम हम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर दो एक्सिस खींचेंगे हम लोग, एक ये हो गई और ये दूसरी वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ये कहलाता है हमारा नीचे वाला, ये संयोजी बैंड, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, उनको इसमें ये जो नीचे वाला बैंड है इसमें दर्शाएंगे, इसको एक अलग अलग कलर दे दिया जाए। इसके बाद जो ऊपर वाला बैंड है यहाँ पर, इसे भी एक अलग कलर दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर हमने ये एनर्जी लेवल जो है मार्क कर लिया है, ये जो एनर्जी लेवल है ये उतना एनर्जी होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सही, इसको बोलते हैं हम लोग चालक बैंड, चालन बैंड या कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, है ना। क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन यदि इस चालन बैंड के बराबर अगर एनर्जी प्राप्त कर लेगा
तो क्या होगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और वह जो है पदार्थ में फ्रीली मूव कर सकता है ना। और दूसरा जो ये यहाँ पर ब्लैक कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा कहलाता है, ये कहलाता है संयोजी बेंड या बैलेंस बेंड। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी को हम लोग जो नीचे वाली कक्षाएं हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए आपस में परमाणु एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी को हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? संयोजी बैंड, है ना। इसको मैं लिख देता हूं संयोजी बैंड या संयोजी ऊर्जा स्तर, है ना। और ये ऊपर वाला जो था चालन ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये नीचे वाला जो है ये कहलाएगा वैलेंस बैंड, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि सामान जैसे मान लीजिए कुचालक की हम लोग बात कर रहे थे, तो कुचालक बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो जो हैं जो वैलेंस वाले हैं उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में जो है इतनी ये जो एनर्जी लेवल है संयोजी में तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जो है वो इतनी नहीं होती कि ये संयोजी बैंड के बराबर ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर है ये इनमें ब्लैंक होता है, ये खाली होता है, ठीक है। जनरली ये ग्राफ जो है हमने केवल शो करने के लिए बनाया है, दर्शाने के लिए, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, ये ब्लैंक है। तो हम यहाँ इसे ब्लैंक कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है, चलिए इसे हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थों में क्या होता है कि जो चालक बैंड है ना, ये जो चालन बैंड है, इस चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होता है ना। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह चालन बैंड में पहुंच जाए या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की तरह पदार्थ में फ्रीली मूव करने लगता है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, साथ ही साथ इनके जो संयोजी बैंड है ना, जो ब्लैक कलर का जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, इन दोनों की ऊर्जाओं में काफी अंतर होता है ना। इसमें इतना ज्यादा अंतर है कि आप इसमें कई किलो वोल्ट एनर्जी भी अगर लगा देंगे, कई किलो वोल्ट का यदि यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर कई किलो वोल्ट का यदि मान लीजिए पोटेंशियल भी लगा दें, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह चालन बैंड में नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा इनमें गैप होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या नाम देते हैं? कुचालक पदार्थ, ठीक है। तो आप कुचालक पदार्थ की परिभाषा याद रखें कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, साथ ही साथ इनके चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो बैंड गैप होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, मतलब ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो ऊर्जा है इसमें जितना अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो बैंड गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है ना। इसीलिए यदि आप इसे गर्मी में धूप में रख दें, इसे ठोके पीटे तो भी ये चालक नहीं बन सकता, है ना। तो ये आपको समझ में आया कुचालक, जैसे कि आप यहाँ पर कुचालक के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रबर, रबर एक कुचालक होता है, लकड़ी लकड़ी कुचालक होती है। तो इन सभी पदार्थों का यदि आप ऊर्जा बैंड डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन में सही जो वैलेंस बैंड है उसके बराबर एनर्जी होती ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं उसका चालन बैंड जो है वह खाली होता है, ठीक है। तब ये बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि सुचालक पदार्थ क्या होते हैं, है ना। सुचालक पदार्थ आखिर क्या होते हैं, इसे हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं।
चलिए तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे सूचालक के बारे में कि सूचालक पदार्थ क्या होते हैं। सूचालक पदार्थ, या सीधे शब्दों में हम लिख सकते हैं यहाँ पर चालक पदार्थ या कंडक्टर, है ना, चालक पदार्थ। अब इनके बारे में हमें जानना है कि चालक पदार्थ आखिर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए चालक पदार्थ क्या होते हैं आप लोगों को पता है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो सकती है ना, विद्युत धारा इनमें आसानी से प्रभावित हो जाती है। दूसरा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर्याप्त होती है या बहुत ज्यादा होती है ना। ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक पदार्थ बोलते हैं। ये तो आपको पहले से परिभाषा याद है, लेकिन हम इसे एनर्जी बेन डायग्राम के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। देखिए, इसका जब आप एनर्जी बेन डायग्राम बनाएंगे सुचालक पदार्थ का, यदि हम लोग एनर्जी बेन डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये मान लीजिए हमने इसका एनर्जी बेन डायग्राम बनाया, ठीक है, यहाँ हम इसका एनर्जी बेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसके एक्सिस हो गए दोनों। अब हम इसमें दो बेंड बना लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो संयोजी बेंड होता है ना, मतलब इसमें जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं संयोजी बेंड, उसकी एनर्जी भी काफी हाई होती है ना। जो संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ये संयोजी बेंड, और इसमें जो कंडक्शन बेंड है, संयोजी बेंड और कंडक्शन बेंड, ठीक है, यहाँ इसमें जो कंडक्शन बेंड है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, है ना। मतलब क्या होगा कि जो इसमें संयोजी बेंड की ही एनर्जी इतनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि यदि आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो, ये पूरा का पूरा जो एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे फिल्ड होता है, यहाँ पूरे में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। तो दोनों में कॉमन रहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब आप अंतर नहीं कर सकते कि कौन सा चालन बेंड है और कौन सा जो है वह संयोजी बेंड है, क्योंकि कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की ही जो है, संयोजी वाली जो कक्षा है, मान लीजिए आउटर मोस्ट कक्षा जो है, उसके इलेक्ट्रॉन की भी आप एनर्जी देखेंगे तो वही एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो कंडक्शन बेंड में भी आ जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसके वो दोनों में कॉमन रहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और जो चालन बेंड के लिए जो एनर्जी है वो दोनों समान होती है इसमें, है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो परमाणु है वो नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी आप वोल्टेज लगा दें या उसे थोड़ा सा ऊष्मा उत्पन्न कर दें, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वैसे भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, तो ये लगभग जो है पदार्थ में मूव करने लग जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं इनकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा पहले से हाई है ना। इसे अलग से चालन बेंड में पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी जो है चालन बेंड में बहुलता से है, क्योंकि जो संयोजी बेंड है और चालन बेंड है दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, इसमें कोई गैप है ही नहीं, है ना, इसमें कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो ये डायग्राम होता है, ये काय का डायग्राम होता है, इस तरह का डायग्राम होता है सुचालक पदार्थों का, इसमें चालन बेंड और संयोजी बेंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, है ना। तो इस तरह के पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक। जिन पदार्थों में ऊर्जा स्तर में चालन बेंड और चालन बेंड एवं जो संयोजी बेंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, उसको ही हमने नाम दिया है सुचालक या चालक पदार्थ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब जो चालक पदार्थ है, चालक पदार्थों के एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि इसमें जैसे तांबा है ना, तांबा हो गया या कॉपर हो गया, है ना, ये सभी जो है, या लोहा है, आयरन, ये सभी सुचालक पदार्थ, ये सभी चालक पदार्थ होते हैं,
और इन चालक पदार्थों का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। जो उसकी लास्ट कक्षा होती है संयोजी कक्षा, उसके इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सुफिशियंट होती है, उनको थोड़ा सा भी वोल्टेज लगा दोगे तो वो जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ है संयोजी में, तो थोड़ा सा लगा दोगे तो वो आराम से संयोजी बैंड में पहुंच जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और पहले से भी इसके कंडक्शन बैंड के बराबर कुछ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चालक पदार्थ के बारे में आप एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में याद रखें। अब जो अर्धचालक होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी अर्धचालक, हम अर्धचालक का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अर्धचालक का एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो अर्धचालक होते हैं, पहले इसका नाम लिख देते हैं, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धचालक, अर्ध चालक, ठीक है। देखिए अर्धचालक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसके जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, जैसे मान लीजिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है, इसका हमने ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया। तो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में आप लोग देखेंगे जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, कि अर्धचालक पदार्थों के एनर्जी बैंड डायग्राम में, जैसे मान लीजिए संयोजी बैंड है, ना, और संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर यहाँ पर हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा, ये तो बहुत ज्यादा पास हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये दो बैंड हमने यहाँ पर बना लिए। तो होता क्या है कि जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों में सामान्य अवस्था में तो चालक बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर इसमें सामान्य अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, है ना। और इसमें संयोजी बैंड जो है वह, संयोजी बैंड जो है वह काफी इस चालन बैंड से ज्यादा नीचे स्थित भी नहीं होता। ये जो है चालन बैंड और ये जो संयोजी बैंड, इनकी जो बैंड गैप है वो बहुत कम होती है ना। अगर ये जो गैप है आप जब मेजर करेंगे गणितीय आंकड़ों के हिसाब से हम देखेंगे, तो ये जो बैंड गैप है ये कुछ आलोकों की अपेक्षा काफी कम होती है ना। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो डायग्राम में मैंने आपको इतना अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा कुचालक वाले से यदि आप मिलाएंगे तो, लेकिन वास्तविकता में जो ग्राफ बनता है तो उसमें ये जो गेप देखेंगे यदि आप, यदि यहीं पे मैं ग्राफ और खींचू यदि कुचालकों का, तो ये जो चालक कुचालक के लिए जो चालन बैंड है और ये जो है ये गेप बहुत ज्यादा रहती है ना। ये बैंड गेप जो है, मतलब यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड के, जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों में जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये चालन बैंड है, इसमें गैप बहुत ज्यादा है। जो गैप अंतर आप लोग देख सकते हैं कि कुचालक पदार्थों में कितना कम है और यही वो ये अर्धचालक पदार्थों में कितना कम है और चालक पदार्थों में कितना ज्यादा है ना। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर चालक पदार्थ, ये कुचालक पदार्थों में और अर्धचालक पदार्थों में, है ना। और जबकि चालक बैंड में क्या होता है, जो चालक पदार्थ होता है उसमें ये चालन बैंड और ये जो संयोजन बैंड है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जबकि कुचालक में दोनों बहुत ज्यादा दूर दूर स्थित होते हैं। और यदि वहीं हम लोग अर्धचालक की बात करें तो ये अर्धचालक में जो है गैप जो है बहुत कम होता है ना। तो ये जो गैप कम है, आखिर इस गैप कम होने से ऐसा क्या हो गया कि ये जो है इसको हम बहुत सारे डिवाइस बनाने में यूज कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इसके लिए अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम अर्धचालक में अशुद्धियों की बात करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ऐसा क्या चीज है जो अर्धचालक को चालक से भिन्न बनाती है, या जो अर्धचालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है और जो चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रभावित होती है उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अभी हम आप केवल ये एनर्जी बैंड डायग्राम्स पे याद रखें कि कुचालक अर्धचालक और चालक के एनर्जी बैंड डायग्राम में मेन अंतर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं। अर्धचालक अभी आप लोग जान चुके हैं कि वह पदार्थ जिसमें चालन बैंड और
संयोजी बेंड का जो गैप है, बेंड गैप जो होती है वह बहुत कम होती है। ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यता देखो आप यहाँ पर आपको नजर आएगा कि सामान्य ताप और दाब पर क्या है, सामान्य ताप पर यहाँ पर इसका भी आपको ये जो चालन बेंड है खाली दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में जो अर्धचालक हैं वह कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, है ना। सामान्य अवस्था में जो अर्धचालक हैं वह कुचालक हैं, लेकिन इसे आसानी से यदि आप मान लीजिए इसे ठोकेंगे, पीटेंगे या ताप देंगे तो इसके कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वह इतनी एनर्जी हासिल कर लेंगे कि वह इस चालन बेंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, आज के लिए फिर टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अर्धचालक। देखिए अभी हमने बताया आपको अर्धचालक के बारे में कि आखिर अर्धचालक क्या होता है ना, यहाँ पर हमने जाना कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक। ठीक है, अभी हमने जाना अर्धचालक क्या होता है। अब देखिए अर्धचालक भी जो मैंने बताया आपको कि सामान्य अवस्था में यानी कि प्योर अगर अर्धचालक है ना, जैसे प्योर सिलिकॉन है उसको कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है ना, तो प्योर अशुद्धि नहीं मिलाओगे आप लोग तो उस कंडीशन में क्या होगा, अर्धचालक जो है वह कुचालक होगा, है ना। यदि हमने इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई है तो ये कुचालक होगा, है ना। तो हम अर्धचालक को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, है ना, अर्धचालक को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला कहलाता है हमारा जो अर्धचालक है, इसे हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया, ठीक है। एक अर्धचालक कहलाता है आपका यहां पर इंट्रिंसिक अर्धचालक, और दूसरा कहलाता है आपका एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। ठीक है, ये दो प्रकार के पदार्थ जो है अर्धचालक भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इंट्रिंसिक से तो मतलब होता है कि ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है, किसी भी प्रकार के हमने इसमें अशुद्धि नहीं मिलाई है, तो ये सामान्य ताप पे क्या होगा, सामान्य ताप या सामान्य अवस्था में ये अचालक होगा या कुचालक होगा, है ना। इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, कोई दूसरा मटेरियल इसमें हम प्रवेश नहीं कराते हैं। वहीं एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जब इस अर्धचालक मटेरियल में जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम है, जब इसमें हम किसी प्रकार का कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक पदार्थ में क्या होता है, इसमें चालकता आ जाती है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा चीज कि इसमें क्या होती है, अशुद्धि, यहाँ पर हमने इसमें अशुद्धि प्रवेश करा दी है। ठीक है, अशुद्धियाँ कौन कौन सी प्रवेश कराते हैं हम लोग, या तो हम लोग यहाँ पर इसमें जर्मेनियम मिलाएंगे, है ना, जर्मेनियम और आर्सेनिक, सॉरी जर्मेनियम तो खुद एक अर्धचालक है, जर्मेनियम तो स्वयं एक अर्धचालक है, इसे मिटा देते हैं हम लोग, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जर्मेनियम तो स्वयं एक अर्धचालक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी। तो देखिए जो आर्सेनिक वगैरह होता है, जैसे आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक है, या यहाँ पे जैसे इंडियम है, या जैसे आपका जो गैलियम है, इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अशुद्धियां होती हैं जो अर्धचालकों में मिलाई जाती है। और अर्धचालक पदार्थ हम जनरली दो प्रकार के अर्धचालक यूज करते हैं, एक होता है जर्मेनियम का यूज करते हैं हम लोग, और दूसरा सिलिकॉन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में थोड़ा आपको परमाणु संरचना बना करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये जो है लेक्चर हम लोग आज अब एंड करते हैं। ठीक है, देखिए जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, है ना,
जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। और ये किसका? जर्मेनियम का। ठीक। इसके अलावा जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, जितने बच्चों ने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा परमाणु संरचना वाला, उनको सिंपल सी एक्सरसाइज है एक कि इसका परमाणु स्ट्रक्चर बना करके, परमाणु संरचना बना करके मुझे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे इसका परमाणु संरचना बना करके। जो बच्चे गलत बनाएंगे उसमें मैं सुधार भी करवाऊंगा, और जो है जिन बच्चों का सही रहेगा तो उन्हें मैं व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर इनका दोनों का परमाणु स्ट्रक्चर बनाएं। तो आप लोग एक विशेष बात यहाँ पर नोटिस करेंगे, जब आप लोग जब परमाणु स्ट्रक्चर आप मुझे बना करके बताएंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो आइए एक बार क्विक रिकैप करके देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या बातें जानी। तो देखिए, सबसे पहले हमने आज यहाँ पर स्टडी की, सबसे पहले हमने जाना कि आखिर ऊर्जा स्तर क्या होता है ना, हमने जाना ऊर्जा स्तर क्या होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में जाना। तीसरा हमने क्या जाना, तीसरा हमने जाना कि आखिर ऊर्जा वेन डायग्राम क्या होता है ना, ऊर्जा वेन डायग्राम के बारे में हमने जाना। और चौथा हमने जाना आखिर कुचालक क्या होते हैं, कौन से पदार्थों को हम कुचालक कहते हैं, कुचालक के बारे में हमने जाना। चालक पदार्थ के बारे में हमने जाना, चालक पदार्थ के बारे में भी हम समझ चुके हैं। साथ ही साथ अर्धचालक को भी हमने यहाँ पर ऊर्जा वेन डायग्राम के अनुसार परिभाषित किया। ठीक है, फिर अर्धचालकों में भी हमने दो प्रकार के अर्धचालक देखे, एक था इंट्रिंसिक, इसे निज टाइप भी बोलते हैं, निज टाइप या निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, इसी तरह से एक और अर्धचालक हमने जाना एक्सट्रिंसिक, अर्धचालक। ठीक है, तो ये हमने जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने, चलिए तो ये तो आज का टॉपिक था। अब कल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक बार कल का देख लेते हैं। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के लिए आने वाला है। कल हम लोग देखेंगे कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो हम लोग पहले अर्धचालक पदार्थों का जो क्रिस्टल होता है वो किस तरह का होता है उसके बारे में जानेंगे, क्रिस्टली संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद पी टाइप और एन टाइप के बाद हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है और डायोड क्या होता है। ये भी कल हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर कल 9 बजे।